और देखिए कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पंच केदार। एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। और इस टाइम मैं हूँ चौपटा में। चौपटा है जहाँ से आप वर्ल्ड के हाईएस्ट शिव टेंपल तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक होता है तुंगनाथ का, और जो करीब समुद्र तल से करीब 3650 मीटर की ऊँचाई पर है। और ये बहुत ही ऊंचाई पर एक मंदिर है, और आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है चौपटा की मार्केट। और सामने आपको दिख रहा होगा गेट, यहीं से इसी जहां पर मैं ये गेट दिख रहा है, यहीं से हमें तुंगनाथ की चढ़ाई करनी है अपनी। तो आइए चलते हैं आगे को। और ये देखिए कुछ इस तरीके की मार्केट है यहाँ पर, सामने आपको दिख सकता है गेट। और आप चलते हैं, करते हैं अपना ट्रैक स्टार्ट। और जैसे ही आप आगे पहुँचेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े हैं, ये इनका प्राइस लगा हुआ है। और करीब 600 मीटर में आ चुका हूँ, और कम से कम मुझे लगता है कि आधा घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे 600 मीटर चलने में। और ये केदारनाथ से कुछ ज़्यादा ही टफ है क्योंकि एकदम सीधा है। बट एक चीज़ अच्छी है इसमें, घोड़े बहुत कम चल रहे हैं और रास्ता अभी थोड़ा सा छायापूर्वक है, तो छाया भी मिल रही है रास्ते में। और एक बार सामने देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चौपटा से करीब 2 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है यहाँ पर भी। मुझे तो लगता है इसका भी ट्रैक केदारनाथ जैसा ही हार्ड है, लेकिन कोशिश पूरी है कि जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँच जाएं बाबा के आश्रम पे। तो चलते चलते काफ़ी ज़्यादा पैरों में दर्द होने लगा है, तो मैंने जो नॉर्मल जो रास्ता है उस साइड से सामने, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ, तो सारी पब्लिक इस साइड से जा रही थी, तो मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा शॉर्ट से चलें। तो इसमें थोड़ा सा थकान तो लगेगी, लेकिन जल्दी पहुँचेंगे। देखिए पीछे पब्लिक जा रही है, और एक बार पीछे का देखिए, यहाँ से एकदम 360 व्यू आता है एकदम। देखिए तो करीब तुंगनाथ से आधा किलोमीटर पीछे हूँ मैं, और ट्रैक पूरा पूरा कंप्लीट होने वाला है। और लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई और बहुत थकान भरा रास्ता है ये भी, एकदम केदारनाथ जैसी चढ़ाई है इसमें। और देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है यहाँ से, एकदम चारों तरफ 360 व्यू। अभी मैं हूँ तुंगनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर पीछे, और यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर आते गए तो यहाँ पर हल्का हल्का स्नो गिरने लगी है, और स्नो भी एकदम दानेदार गिर रही है। और देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है इस टाइम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। बस अब भोले बाबा के दर्शन हो जाए जल्दी, और देखिए कुछ इस तरीके का। तो इस टाइम तुंगनाथ का कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है सामने, और एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। बारिश का मौसम हो गया हल्का हल्का, और लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पीछे कितनी गहरी खाई है, ये देखिए लोग वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अगर नीचे गिर गए तो देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, और सामने वहाँ है चंद्रशिला पीक।
चंद्रशिला मंदिर भी है ऊपर, देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर नज़ारे आ रहे हैं। तो बस फाइनली मंदिर से बस थोड़ी ही दूरी पर हूँ और पीछे दिखाते हैं आपको एक बार मंदिर सामने, वो देखिए ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो बस चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं दर्शन, और उसके बाद मंदिर में दर्शन होने के बाद फिर मैं जाऊँगा चंद्रशिला, चंद्रशिला मंदिर, चंद्रशिला के दर्शन करने के लिए। सामने व्यू देखिए वो। तो बस मंदिर पहुंचने वाले हैं और ये देखिए सामने की मार्केट है, यहाँ पर आपको चाय पानी रूम अवेलेबल हो जाएंगे। रात में यहाँ स्नो गिरी होगी ना, तो देखिए इस टाइम स्नो एकदम परी हुई है और मेल्ट बिल्कुल नहीं हुई है। गाइस वेलकम बैक। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिव टेंपल तुंगनाथ में, जो है चौपटा से करीब 4 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद आप आ जाएंगे तुंगनाथ। तो यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है और ये हमारे पंच केदार में से तीसरा केदार है जिसका नाम है तुंगनाथ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ ऊपर चंद्रशिला है, तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे आपको। तो और ये हमारे 5 केदारों में से तृतीय केदार है जो है तुंगनाथ। मैंने केदारनाथ कर लिया है, मध्य महेश्वर के कपाट अभी खुले नहीं हैं, तो इस टाइम मैं आ गया हूँ तीसरे केदार तुंगनाथ के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा इस तरीके का नज़ारे हैं, देख लीजिए एक बार। और यहाँ पर देखिए पीछे बर्फ़ भी गिरी हुई है पूरी तरीके से। और वो ये देखिए चारों तरफ उधर उस साइड केदारनाथ है और इस साइड अपने है चौखंबा पीक जिधर है मध्य महेश्वर। और ये देखिए पूरा 360 व्यू। और सामने है तुंगनाथ बाबा भोलेनाथ का मंदिर जो हमारा तृतीय केदार है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ चंद्रशिला के लिए जो करीब करीब 1 किलोमीटर का है। इसमें भी तुंगनाथ से ट्रैक है और ये ट्रैक उस ट्रैक से थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें और खड़ी चढ़ाई है। तो एक बार देखिए कैसा व्यू आ रहा है यहाँ से। कुछ इस तरीके का मौसम है और सामने है तुंगनाथ मंदिर और अभी मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला के लिए जो सीधा ऊपर है। और इस रास्ते में कुछ ऐसे सीढ़ीदार रास्ते हैं, एकदम सीढ़ी बनी हुई है ऐसे करके ऊपर तक, और इस पर अभी मैं चल रहा हूँ।
शिला से करीब 500 मीटर नीचे हूँ। और देखिए ऊपर दिख रही है चंद्रशिला, तो आप देखिए, और मेरी छाता भी खुली है, और यहाँ बर्फ देखिए, और यहाँ से नज़ारे देखिए एक बार कैसे दिख रहे हैं, ये देखिए। और एकदम मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है मुझे अभी तक। तो हम चंद्रशिला पीक से थोड़ा सा मैं नीचे हूँ बस, और यहाँ पर बर्फ़ की वजह से जो यात्री लोग हैं बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। मैंने तो कर लिया है, बट लोग बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को चलने में। देखिए ये देखिए लोग जा रहे हैं नीचे को, वो भैया अभी दो बार गिरते गिरते बचे, और इस साइड जो आ रही है पूछे पूरी टोली, वो तो सारे लोग गिर चुके हैं, उनके पूरे रेनकोट अम्ब्रेला अम्ब्रेला सब ख़राब हो गए। व्यू देखिए एक बार यहाँ से, और बहुत अच्छा लग रहा है यार, लेकिन समय लगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा बहुत आएगा और प्रदर्शन हो जाएंगे बहुत अच्छे। करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पे, और आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ से 360 व्यू आ रहा है, और यहीं से केदारनाथ और आपको चौखंबा पीक जो मध्य महेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वो सारी आपको दिखेंगी। और ये मेरे सामने है चंद्रशिला मंदिर, और मंदिर के दर्शन मैंने आते ही कर लिए थे, तो अभी एक बार आपको यहाँ से दिखाते हैं और थोड़ा सा बताते हैं मंदिर के बारे में। माना जाता है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम ने अपने मन की अशांति को दूर करने के लिए डूंगनाथ से करीब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस चोटी पर आके भगवान शिव की आराधना करी। आराधना करने के बाद से ही इस चोटी का नाम चंद्रशिला पीक या चंद्रशिला चोटी के नाम से जाना जाता है। और आप एक बार देख सकते हैं यहाँ से कैसे नज़ारे दिख रहे हैं। अब चलते हैं सीधा चौपटा के लिए, और चंद्रशिला और डूंगनाथ के दर्शन मेरे हो गए हैं, और अब नेक्स्ट केदार के लिए मैं निकलूँगा कल सुबह, जो है कल्पेश्वर, क्योंकि डूंगनाथ के दर्शन मेरे हो चुके हैं, मध्य महेश्वर और रुद्रनाथ दोनों के कपाट इस टाइम अभी बंद हैं, तो इस वजह से। तो अब मैं जाऊँगा अपने पाँचों केदार, पहला केदार, तृतीय केदार और पाँचों केदार। दीप, तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। मैं प्रदीप, मिलता हूँ आपको पंच केदार की नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।